लेफ्ट भाई कितना पसंद आया ट्रेलर फिल्म भी बहुत अच्छी है ट्रेलर उसका एक रूप है छोटा रूप है और ट्रेलर बहुत अच्छा शानदार बना हुआ है और हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत ऊपर जाएगी ये फिल्म फिल्म के एक्टिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगा एक्टर एक्ट्रेस काफ़ी रोमांटिक लग रहे थे आपको कितना पसंद आया एक्टर्स दोनों बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने दो इनकी फर्स्ट फिल्म है मौसम की तो सेकंड फिल्म है लेकिन स्वाति जी की फर्स्ट फिल्म है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अमृता का भी और राहुल का भी बहुत अच्छा काम है सर आप कुछ बताना चाहिए फिल्म को कितना मुश्किल होता है फिल्म बनाना आप बताइए देखो फिल्म बनाना सोच के ही अपने आप में ही रहता है कि शुरुआत जो हम करते हैं सारी चीज़ इकट्ठी करते हैं भाई कहाँ किस तरह से कैसे कैसे काम होगा ये तो बनाने नीम जमाते उसके बाद में फिर तो बहुत ही लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हमें पता रहता है हम कैसे कैसे करके पूरी करते हैं तो वो ही सारी चीज़ होती है ये डायरेक्टर साहब बताएंगे देखिए बेसिकली क्या है कि हमारा करेक्टर हैं दोनों उनके सरनेम है आपको नहीं लगता इसके नाम में कुछ कंट्रोवर्सी है नहीं कंट्रोवर्सी वाली सी बात कुछ नहीं लगती है लेकिन आपने ये जो आपका नाम रखा पिक्चर पे रोमांटिक सीन है जी कहीं भी इतना नजर नहीं आ रहा था क्या सोच के आपने रखा तस्वीर नहीं देखिए मेरे इसमें क्रिश्चियन हीरोइन है और जो मुस्लिम इसमें हीरोइन है तो उनको मैंने दोनों को मिक्स किया है ओके फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा किस तरह काफ़ी रोमांस दिख रहा है कॉमेडी भी दिख रही है और काफ़ी दिग्गज कलाकार भी है फिल्म के अंदर तो इसके बारे में कुछ बताना चाहिए कास्टिंग के बारे में देखिए फिल्म के अंदर रोमांस भी है कॉमेडी भी है और एक्शन भी है तीनों चीज़ों को हमने डाला इसके अंदर तो पहले से मतलब इनको ही देना है और किसी को हाँ इनको ये डिसाइड किया असल में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पर तो गाड़ी सदियों से चलाते आ रहे हैं लोग आदमी हर कोई आज चाहेगा हम बैटरी पर चलाएं हर आदमी चेंज चाहता है तो ऐसे ही कास्ट में मैंने भी ऐसे किया है कुछ चेंज किया मैंने भी आइटम सॉन्ग काफ़ी धमाकेदार लग रहा है जी तो आइटम सॉन्ग के आने की ज्यादा रह जाएगा जो एक्ट्रेस भी है हिना पांचाल भी है वो काफ़ी धमाकेदार लग रही है उसको कुछ बताना चाहिए उनको कब चुना आपने उनको असल में क्या है कि मेरी पहली फिल्म आई थी हम है तीन खराबाती उसमें भी उन्होंने आइटम सॉन्ग किया था और इसमें भी उन्होंने आइटम सॉन्ग तो हमारी एक ट्यूनिंग है कि इसमें एक नहीं उन्होंने दो गाने किए एक पार्टी सॉन्ग भी उन्होंने किया है प्लस ये आइटम सॉन्ग भी उन्होंने किया दो गाने किए इसमें ओके कब तक रिलीज करने का प्लानिंग है कुछ बताना चाहिए 20 जुलाई को उसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग आगरा का सीन बहुत बेसिकली हम उत्तर प्रदेश से ही हैं जी इसको मैंने एक नहीं उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में शूट किया है आपके जी ग्रेटर नोएडा में शूट किया है नोएडा में शूट किया है इसको सोनीपत में शूट किया है लवासा में शूट किया है आगरा में शूट किया है इसके अलावा फिल्म का प्रमोशन किस तरह से करने वाले आज तो फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है प्रमोशन कहाँ करने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल पर करेंगे जो हिंदी इवेंट है वहाँ सब जगह हमारी टीम जाएगी आपको ये
स्टोरी भी बहुत अच्छी थी लगी थी, और हम सुधीर जी के साथ हम कई सालों से जुड़े हुए हैं और हमारी ट्यूनिंग अच्छी है। भाटी जी के साथ भी मुलाकात हुई, ये भी मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, तो मुझे लगा कि हमें एक टीम बना के काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट में काम करने का सोचा, क्योंकि फिल्म का नाम ही एकदम कैचिंग है, फिल्म के नाम से ही लगता है कि फिल्म की क्या होगा इसके अंदर, लोगों को सस्पेंस लगता है, लेकिन जब देखेंगे फिल्म तो इसमें कॉमेडी भी है और रोमांस भी है और एक्शन भी है। थैंक यू सो मच। इसके बारे में सोच के आएंगे जी, आपको नजर आएगा।